एवरीवन, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फेस स्क्रब एंड अ फेस पैक। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इवन स्किन टोन नहीं रहता है। लिप्स का एरिया, एडजेस ऑफ द लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, नेक एरिया में पैचेस स्किन रहता है, जिसके वजह से बहुत लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फेयर स्किन हो या डार्क स्किन, दोनों तब अच्छा लगता है जब इवन स्किन टोन हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं हूं आपकी सीक्रेट हेल्पिंग हैंड। प्लीज मेरा वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, प्लीज तुरंत लाइक बटन मत दबा दो, क्योंकि वो ना स्पैम में चला जाता है। तो आपके लिए आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए वेट करना है, वीडियो को 5 मिनट तक देखना है, उसके बाद लाइक और कमेंट करेंगे ना, वो सीधा मुझे मिल जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्क्रब के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बता देती हूं, उसको नोट कर लो। हमें चाहिए ओट्स पाउडर, टोमेटो जूस, लेमन जूस, हनी, देन कसूरी मेथी और रोज वाटर। ये जो कसूरी मेथी है मैं अमेजोन से ऑर्डर की हूं, इसके साथ बहुत ही ज्यादा फेस पैक्स भी मिला है मुझे। पूरा एक फेस पैक्स का सेट है, उसको मैं ऑर्डर कर चुकी हूं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप भी जरूर इसको ट्राई करो, क्योंकि ये पूरा सेट ऑफ पैक्स आएगा, 5 या 6 आएगा। आपको अलग अलग तरीके का फेस पाउडर्स मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप बहुत सारा DIYs बना सकते हो, एंड विच इज वेरी हेल्पफुल। प्लीज ट्राई दिस। वेल, सो स्टार्ट करते हैं स्क्रब बनाना। पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें आपको जितना चाहिए उतना ओट्स पाउडर ऐड करो। देखो, आपको ओट्स मिल जाता है, किसी भी स्टोर पे ओट्स मिल जाता है। ओट्स का हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, जो समर वेट लॉस के बारे में बताता है, वो वीडियो जरूर देखो, वो आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। ओके, ओट्स पाउडर ले रही हूं, जो रेगुलर ओट्स है उसको लेके पाउडर बना चुकी हूं, उतना ही। मसाला ओट्स नहीं है, ये प्लेन ओट्स है। इसके बाद टोमेटो का रस डालेंगे 1 स्पून तक। एंड 1 स्पून हम ऐड करते हैं लेमन जूस। एंड इसमें ऐड करते हैं हनी 1/2 स्पून तक। हनी आप कौन सा भी ऑर्गेनिक हनी भी यूज कर सकते हो, या आपको जो अच्छा लगता है हनी यूज करो। मैं नॉर्मली पतंजलि का हनी यूज करती हूँ फेस पे, मुझे ये अच्छा लगता है। इतना हनी ऐड कर दो। इसके बाद पिंच ऑफ हल्दी, दिस इज कस्तूरी टर्मरिक पाउडर, बस इतना एक पिंच, और थोड़ा सा लेती हूँ। हाँ देखो, इसको हम रोज वाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखो, अच्छे से मिक्स करो इसको। वेल, अभी मैं इसमें जो भी चीजें डाली हूं उसका बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूं। ओट्स, ओट्स ट्रीट करता है एक्ने को, एंड इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, डर्ट एंड एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, एंड पोर्स को श्रिंक करने में भी हेल्प करता है, एंड इवन स्किन टोन देता है। दिस इज वॉट ओट्स पाउडर लुक्स लाइक। ओके, कुछ नहीं करना है, ओट्स ले लो एंड उसको पाउडर बना दो। ओके, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद टोमेटो जूस एंड लेमन जूस। टोमेटो जूस एंड लेमन जूस एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, आपका स्किन को ग्लोइंग एंड फेयर बनाने में हेल्प करता है। हल्दी में होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसमें हीलिंग का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो भी डेड स्किन है वो सब स्किन निकल के अच्छा सा ग्लो और अच्छा सा इवन टोन मिल जाएगा।
हनी, हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है एंड स्कार्स को लाइट करता है, सनबर्न को ठीक करता है, रिंकल्स को हटाता है, स्किन को ब्राइटन करता है. वेल, ये सबको अच्छे से मिक्स करो एंड अप्लाई अराउंड योर माउथ एंड नेक एरिया. ओके, एंड सर्कुलर मोशन में उसको मसाज करो. अभी मैं इसको अपना हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ. देखो, इसको अच्छे से अप्लाई करना है, स्क्रब करना है. ये पिंपल पोरन स्किन के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ओट्स ना हीलिंग प्रॉपर्टी और हल्दी में भी हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो इसको इससे आपको कुछ भी हार्म नहीं होगा. ये ऑल एज ग्रुप के लिए है, स्पेशली फ्रॉम टीनेजर यू कैन यूज दिस. अच्छे से मसाज करो, अच्छे से मसाज करके एक थोड़ा सा थिक लेयर लगा दो, एक थिक लेयर लगा के इसको ऐसा ही छोड़ दो. ओके, 2 to 3 मिनट आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है सराउंडिंग अराउंड योर माउथ एरिया एंड नेक पे. ओके, अच्छे से मसाज करना है एंड इसको वैसा ही छोड़ देना है. मिनिमम 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको ऐसा ही छोड़ दो. उसके बाद आपको इसको वॉश करना है ठंडा पानी से. हो गया, ये है अपना स्क्रब. इसको यूज करने के बाद ठंडा पानी से वॉश करो. वॉश करते ही आपको तुरंत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट यूज से ही. ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके जरूर देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ओके, इसके बाद अब हमें इतना ही करके छोड़े तो भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा पर नॉट 100%. अगर आपको फर्स्ट टाइम से ही क्लियरली 100% रिजल्ट मिलना है तो आपको एक फेस पैक भी बनाना पड़ेगा, उसको भी लगाना पड़ेगा, वो भी मैं बता देती हूँ. वेल, स्क्रब को साइड में रख देते हैं एंड ये स्क्रब को आप कम से कम 1 वीक तक आराम से स्टोर कर सकते हो. ओके, क्योंकि इसको आपको यूज करना है एवरी अल्टरनेट डेज, अप टू 1 वीक और 2 वीक एवरी अल्टरनेट डेज यूज करो. उसके बाद आपको क्लियर स्किन मिल जाएगा. उसके बाद बस उसको ऐसा ही रखने के लिए आपको हर वीक में वंस या मंथली ट्वाइस यूज करना है स्क्रब को. ओके, 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर पे. वेल, अभी करते हैं फेस पैक. फेस पैक के लिए क्या क्या चाहिए वो भी बता देती हूँ. फेस पैक के लिए आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर, देन रोज पाउडर एंड 1 teaspoon ऑफ मिल्क. ओके, रॉ मिल्क लिए तो अच्छा है. अगर रॉ मिल्क नहीं मिलता है तो आप यूज कर सकते हो बॉइल्ड मिल्क. ओके, जैसा मैं बोली हूं आपको, मैं ये दोनों को भी, मुझे इसी पैक में ये भी मिला है चंदन पाउडर. दिस इज व्हाइट सैंडलवुड पाउडर. आपको रेड सैंडलवुड पाउडर भी मिल जाता है बट दिस वन इज व्हाइट एंड व्हाइट वन इज गुड फॉर दिस. ओके, जो मैं आप भी पैक बता रही हूँ उसको आप व्हाइट चंदन पाउडर यूज कर सकते हो. इसके साथ रोज पेटल पाउडर, चाहे तो आप घर पे भी ये बना सकते हो रोज पेटल पाउडर. रोज को बस ड्राई करो और उसको अच्छे से पाउडर बना के स्टोर कर दो. ओके, मुझे अभी उतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं रेडीमेड मंगवाई हूँ. ओके, इसका लिंक मैं जरूर दूंगी और जरूर ये चीजों को ट्राई करो. अभी बनाते हैं, पहले लेते हैं वेल 1 spoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर, देन सेम उसी क्वांटिटी में रोज पाउडर. सैंडलवुड पाउडर का इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, देखो. ओके, इस दोनों को अच्छे से यूज करो. इसमें हम लोग अभी मिल्क ऐड करते हैं. आपका ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कौन सा भी स्किन हो, ये आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा, आप यूज कर सकते हो. अच्छे से मिल्क ऐड करो और मिक्स करो. आपको कलर दिख रहा होगा, ओके. अभी जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए था वो कंसिस्टेंसी मुझे मिल चुका है. देखो, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं है उतना ज्यादा, राइट? इट्स नॉट टू लिक्विड. रनिंग कंसिस्टेंसी मत बनाओ क्योंकि आपको इसको फेस पे लगा के रखना है. ओके, अभी देखो. वेल, अभी इसको अप्लाई करते हैं. जो स्क्रब यूज किए हैं ना, स्क्रबिंग के बाद हम लोग ये फेस पैक यूज करना है. ओके, अगेन सेम अराउंड अराउंड द माउथ एरिया. आपको एक कलर दिख रहा होगा. वेल, इसको अच्छे से अप्लाई करो. अप्लाई करके ऐसा ही छोड़ दो. ओके,
मिनिमम 30 to 40 मिनट्स में या 1 आवर तक, जितने देर तक ये सूखेगा ना उतने देर तक आप रखो इसको. ओके, ये चाहिए तो आप पूरा फेस पे भी यूज कर सकते हो. इवन द सेम स्क्रब को भी आप पूरा फेस पे भी यूज कर सकते हो, पर जो आपका अफेक्टेड एरिया है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, जैसा माउथ का सराउंडिंग एरिया, पहले उधर अच्छे से स्क्रब करो, बाद में बाकी फेस पे स्क्रब करो. इवन नेक एरिया पे पहले अच्छे से स्क्रब करो, बाद में नेक से लेके पूरा नेक तक भी इसको लगाना है कंप्लीट, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. कभी भी हम लोग कुछ फेस पैक लगाते हैं ना, सिर्फ फेस पे नहीं लगाना है, नेक तक भी यूज करना है. ओके, इसको ऐसे लगा दो, फिर आप इसको ड्राई होने के बाद धो सकते हो. ये रेमेडीज आपको यूज करना पड़ेगा टिल 2 वीक्स, मैं बार बार बता रही हूं, और अल्टरनेट डेज कंटिन्यू यूज नहीं करना है आपको इसको, अल्टरनेट डेज पे यूज करना है. ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस है, मतलब अराउंड नेक एरिया एंड लिप्स एरिया पे, तो आप इसको 2 वीक्स तक कंटिन्यू यूज करो, उसके बाद आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा. ओके, ट्रस्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट. उसके बाद आप सेम आपका स्किन को ऐसा ही रखने के लिए वीकली वन से स्क्रब और फेस पैक यूज कर सकते हो. स्क्रब को एज आई सेड यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज, एंड इसको जरूर ट्राई करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. एंड आपका जो इफेक्ट है इसको यूज करने के बाद, फर्स्ट यूज से ही आपको इफेक्ट मिलेगा, वो इफेक्ट को जरूर मेरे साथ शेयर करो. आप इवन इंस्टा पे भी मुझे शेयर कर सकते हो, आपका क्वेरीज पूछ सकते हो. सीक्रेट हेल्पिंग हैंड इज माई इंस्टा आईडी, वो भी मैं आपको दे दूंगी. प्लीज फॉलो द रेमेडी एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू सपोर्ट मी बिकॉज आई कैन गिव यू द बेस्ट थिंग्स. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. टेक केयर. बाय बाय.